जैसे जैसे चुनाव की नज़दीकियां बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आरएलडी गठबंधन को लेकर जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं कि जयंत चौधरी जी एनडीए की ओर रुख कर रहे हैं, एनडीए की ओर रुख कर रहे हैं। एक बयान आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जयंत चौधरी के राजा आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुनील सिंह का, कि जयंत चौधरी भी भिक्षण बन गए हैं। इसके बीच में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानकारी करेंगे। क्या जयंत चौधरी भी भिक्षण है? इसी के साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जयंत चौधरी जी के लिए बयान आया है कि जयंत चौधरी जी विभीषण है। सुनील सिंह ने आरोप लगाया एक तरह से कि विभीषण है, एनडीए की ओर जा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखो, चलो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही कहा या गलत कहा, लेकिन उनका जो है जयंत चौधरी का परिस्थिति के हिसाब से जो भी है उस उन्होंने सही काम करा। भाई आगे ये भी तो देखना है हमें, के करना है के धरना है। ये चलो हम मानने हैं ये सरकार है, थोड़ा सा किसानों के बारे में सोच ले, थोड़ा सा बच्चों के बारे में सोच ले। गन्ना मूल्य तो एमएसपी तो बढ़ा दी सरकार ने, और क्या चाहिए ताऊ जी? एमएसपी तो बढ़ा दी, एमएसपी तो एक बात बताओ आप, इन्होंने थोड़ा सा गन्ने पर बढ़ाए। मिल वाले ही कह रहे थे 30 रुपये तो हम दे देंगे, इन्होंने 20 ही रुपये बढ़ाए। चलो खैर ठीक है, जयंत वो तो जयंत चौधरी का वो है। जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं, एनडीए 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 की ओर जा रहे हैं, क्या लगता है कितना सही है कितना गलत है? देखो जो वे करेंगे वो सही करेंगे किसानों के लिए, हैं जो भी करेंगे जैन साहब किसानों के लिए सही करेंगे। जो कुछ भी जहाँ में गए हम उनकी साथ हैं और उन्हीं के साथ हम रहेंगे। हम जैन जी के साथ हैं, जैसा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना जाना उचित होगा और कितना जाना अनुचित रहेगा। बयान आ रहा है कि जैन चौधरी विभीषण है, एमएसपी भी मिल रही है गन्ने पर, एमएसपी सरकार दे रही है, क्या लगता है किसान कितना खुश है कितना ना खुश है इस चीज़ को लेकर? हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जैन चौधरी जी एनडीए की ओर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बस ठीक लग रहा है, मतलब ये ठीक कर दे रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। मगर जैसे जो उन्हें उचित क्या, यहाँ भी तो उसका मट्टी पली छोड़ी थी, यहाँ के इधर था उसका कोई पार्टी कुछ है, हाँ कोई पार्टी जो ज्यादा वो इन कहता था कहला। अखिलेश के साथ में मट्टी पली थोड़ी थी, अगर अखिलेश के साथ में थे हाँ मट्टी पली थी होती जो अकबर 2 सीट दुमा मतलब 3 दुमा और उन पर लड़ेंगे चुनाव चीन मारा जाएगा तो मट्टी पली थी होती। बिल्कुल गांव की भाषा में मिट्टी पलीत का मतलब होता है किरकिरी होना, किसी का फजीहत होना, तो ये आम बात है यहाँ के लोग है कि मिट्टी पलीत हो रही थी उसमें रह गए। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। ताऊ जी मिट्टी पलीत हो रही है या काम ठीक चल जाएगा? नहीं मिट्टी खराब ही हो रही है, अगर काम चल जाता तो फिर इसमें क्यों आते पार्टी में? अब तो गन्ने का मूल्य बढ़ गया, क्या चाह रहे? 25 रुपये CM पीरियड बढ़ा, लेकिन उसका फायदा तो गुजरात को, हमारे लिए तो वो का वही है 30 का 370। गन्ने का पेमेंट तो समय पे आ रहा अब? हाँ गन्ने का पेमेंट आ रहा, पर पिछला कहाँ गया? पिछला तो शाम लिखा आते से ज्यादा रुका हुआ है, इसका भी तो प्रबंध जयंत जी करवाऊंगा। अच्छा जयंत चौधरी जी बीजेपी में आ रहे हैं, कितना सही है ये? 90% सही है, और जगह कहीं कुछ है नहीं, बीजेपी में जाकर मंत्री बन जाएंगे, किसानों की समस्या सुनेंगे। बिल्कुल बीजेपी में जाके मंत्री बन जाएंगे जयंत चौधरी। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। कितना सही है राव जी? बढ़िया चौधरी जी चले गए, बढ़िया हुआ, और जो कोई जो वो नहीं था ऑप्शन नहीं था, बढ़िया हुआ, और जयंत को बहुत बड़ा लाभ होगा और भाजपा को भी लाभ होगा। यार सुनील सिंह तो कह रहे हैं कि विभीषण का काम कर रहे हैं, उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विरोध में होगा वो बिल्कुल ठीक कराया जयंत ने और बढ़िया कराया काम। जयंत जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत लोग खुश हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। जयंत चौधरी जी आ गए बीजेपी में, कैसा महसूस कर रहे पापा जी? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। हम तो यू कह भाई चौधरी साहब के पद चिन्हों पर चल के ये भी अपना नाम कमावे, अरे भाई आगे चल के इन्हें भी कभी सम्मान मिल जा, किसानों की समस्या रखेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और सत्ता में जो पार्टी है भाई वो बार बार भाषण दे हम किसान के पक्ष में हैं, गरीबों के पक्ष में हैं, फला के पक्ष में हैं, तो अब देख लेंगे भाई। किसानों के मजदूरों के पक्ष में है सरकार, सरकार कितना कुछ कर रही है ये लोग कह रहे हैं कि हाँ कुछ अच्छा भी हो रहा है तो कुछ गलत भी हो रहा है। अब और लोग भी हमारे साथ हैं, वो कितना सही मानते हैं कि जयंत चौधरी जी एनडीए की ओर रुख कर रहे हैं? वो खुद भी विभीषण है, वो कौन से वो उसने किस दिन मैदान में आकर लड़ाई लड़ी, किसानों के बारे में 2 शब्द कब कहे सुनील सिंह ने? सुनील सिंह कौन है जयंत पर टिप्पणी करने वाले? भाई सुनील सिंह की पार्टी का पुरानी लोकदल जिस पर हमारे दफ्तर पे भी कब्जा करो वो बैठा लखनऊ वाले, कौन है वो
हमारे पर टिप्पणी करने वाला भी भिक्षण कहने वाला खुद भी भिक्षण है और लोग भी हमारे साथ हैं उनसे जानकारी करते हैं कितना सही है कितना गलत है। बाकी तो इनके चेहरों की हंसी बता रही है चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। हमारे साथ और लोग भी हैं। क्या नाम है ताऊ जी? सतपाल सिंह। सतपाल जी, ताऊ जी खुश नजर आ रहे हो जयंत जी के जाने से? जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश आज हूँ मैं क्योंकि उन्होंने पार्टी अच्छी पार्टी में आ गए जो यो करा गठबंधन बहुत अच्छी पार्टी में करा किसानों को लाभ होगा बीजेपी में जाने से जयंत चौधरी जी के जो किसानों की समस्याएं पूरी हो जाएंगी खूब हमें पक्का पता भरा दिल माने रहा। जयंत चौधरी जी की बात चल रही है मुद्दा है जयंत चौधरी जी का। देखिए ये डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। कहीं ना कहीं देखिए जो सत्ता पार्टी है उसमें आने का फायदा होता ही है उसमें कुछ ना कुछ पद मिलेगा और वे हमारे नेता है और कुछ ना कुछ हमें फायदा ही होगा किसानों। तो किसान कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी जैसे जैसे एनडीए में शामिल हो रहे हैं तो उसका फायदा ही मिल रहा है तो एनडीए में शामिल होने से उनसे कुछ फायदा है कितना फायदा मिलेगा एनडीए में शामिल होने से? बहुत बड़ा लाभ होगा किसानों को भी लाभ होगा किसानों की बात कहने वाला खड़ा होगा वहाँ कोई बीजेपी में या कमी थी किसानों कोई बात नहीं खड़ी कहे था ये भी कहेगा अजीत आ गया यू आ गया जयंत किसानों की बातों को मनवाएंगे। जयंत चौधरी जी का सभी किसानों के एक ही बात एक ही नज़रिया है कि जयंत चौधरी जैसे जैसे एनडीए में शामिल हो रहे हैं उनके जाने से कुछ ना कुछ किसानों को फ़ायदा होगा रोजगारों के अवसर होंगे। साथ ही कैमरामैन के साथ अमित तरार न्यूज़ स्टेट शामली।